हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकु का अनुसार। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग जनको को लेकर हॉस्पिटल आ गया है। डॉक्टर ने कहा उसको कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके कुछ चेकअप करने होंगे, वैसे भी वो बीमार रहता है। त्याग ने कहा लेकिन उसको हॉस्पिटल में क्यों रहना होगा। तो युंगी ने कहा त्याग तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी तुम उसके साथ जो भी करते हो ना बहुत ही बुरा है, उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन तुम तो नहीं समझोगे ना। त्यांग देखो उसको हॉस्पिटल में ही रहने दो, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर दूंगा अगर तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो तो। जीवन को कह देना जनको के साथ आकर वो रह लेगा। त्यांग ने कहा नहीं मैं ही रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। उसके बाद त्यांग भी हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं। उसने एक बहुत ही वीआईपी रूम को बुक कर लिया। जैसे ही रिपोर्ट आ जाता है त्यांग को पता चलता है कि जनको प्रेग्नेंट है। त्यांग ने कहा क्या वो प्रेग्नेंट है तो क्या मैं उसके साथ? तो युंगी ने कहा नहीं अभी तुम उसके साथ उतनी फोर्सफुली। तो त्यांग ने कहा बस करो, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा क्या मुझे कैसे और क्या करना है? युंगी ने कहा जनकुक वो पहले से ही बीमार है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। त्यांग थोड़ा सा संभाल कर चलना और जनकुक तुम अपना ध्यान रखना, चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना है। जनकुक ने कहा ठीक है। त्यांग कहता है बस बहुत हो गया, मैं उसको लेकर घर जाने वाला हूँ। युंगी ने कहा नहीं आज रुक जाओ, कल लेकर चले जाना, आज उसको हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है, उसके कुछ और चेकअप होना बाकी है। त्यांग ने कहा कितनी चेकअप करवाओगे, आखिर उसको हुआ क्या है? युंगी ने कहा उसकी बॉडी बहुत ही कमजोर पड़ चुके हैं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। फाइनली युंगी ने जनको की सारे चेकअप करने के बाद उसको कुछ दवाई लिख दिया और त्यांग जनको को लेकर घर जाने लगता है। जनको ने कहा त्यांग से क्या तुम मुझसे नाराज हो? त्यांग ने कहा मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? जनको ने कहा लेकिन तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। त्यांग ने कहा तो और क्या करो, युंगी ज्यादा ही बात करते हैं, तुम्हें नहीं लगता है क्या? और तुम कुछ कहते भी नहीं हो, तुम मना नहीं कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई? जनको ने कहा लेकिन ये तो सच है ना, वो डॉक्टर है, मैं अगर कहूँगा भी वो भरोसा नहीं करेगा, उसको सब कुछ पता है। त्यांग ने कहा आखिर तुम छुपाना नहीं चाहते हो, तुम सबको कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करता हूँ। आखिर उन लोगों को एक ही नहीं समझ में आता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो लोग मुझे मना थोड़ी कर सकता है। जनको चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूंगा तो फिर क्या किसी और के साथ? जनको ने कहा त्यांग मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया है। त्यांग ने कहा तो फिर ठीक है, घर पर किसी को मत कहना कि तुम मेरी वजह से। जनको ने कहा तुम टेंशन मत करो। उसके बाद जनको को लेकर त्यांग अपने रूम में आ जाते हैं। जिन ने कहा जनको घर आ चुका है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आर्यन कहता है तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया है? मुझे भी अभी अभी पता चला है कि त्यांग जनको को लेकर घर आ गए। जिन ने कहा ठीक है मैं उसे जाकर मिलकर आता हूँ। उसके बाद जिन जनको से मिलने के लिए आ जाता है। त्यांग जनको के पास ही बैठा हुआ था। जिन ने कहा त्यांग जनको से कितना प्यार करता है ना। त्यांग जनको को पूछने लगता है क्या वो लोग आ गए, क्या उन लोगों ने मुझे देखा कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ? जनको ने कहा हाँ। त्यांग ने कहा तो फिर ठीक है। जनको ने कहा त्यांग क्या तुम उन लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हो और तुम दिल से नहीं कर रहे हो? त्यांग ने कहा चुप हो जाओ, तुम्हें इसे अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। देखो तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो जनको, अगर सोचते ना तो इस बच्चे को कभी नहीं लेते। जनको ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो उस दिन बिना प्रोटेक्शन के थे। त्यांग ने कहा बस करो मुझे बेलम करने के लिए, बोलो आ चुके हैं तो चुप रहो, तुम्हें अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। जीन आकर कहता है त्यांग तुम बहुत अच्छे हो कि तुम जनको की इतना ध्यान रखते हो, मुझे लगा ही था कि तुम जनको के बहुत ध्यान रखोगे जब तुम्हें पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। जनको कंग्रेचुलेशन, त्यांग तुम्हें भी, तुम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हो। आर्यन ने कहा जिन हमारे सन आर्या को खेलने के लिए साथ ही मिल जाएगा, क्या कहते हो? जिन ने कहा तुमने सही कहा, आर्या बहुत ही खुश होने वाला है कि उसके एक बहुत ही प्यारा सा भाई या फिर बहन मिलने वाला है, देखना वो सुनकर ही पागल हो जाएगा खुशी के मारे। जनको वो भी खुश हो रहा था। जिन ने कहा जनको तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। समय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जनको वॉशरूम में अपनी बॉडी को मिरर में देखकर हाथों से सहलाते हुए कहा उसको कभी समझ में नहीं आएगा क्या कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है? युंगी ने मना किया था फिर भी मैं त्यांग को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो भी तो समझ सकता है ना, प्रेग्नेंट इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं त्यांग कब समझने वाला है, मुझे तो त्यांग को समझाना होगा क्योंकि जैसे टमी बड़ा होता जाएगा ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। त्यांग वो वॉशरूम में दरवाजा टकटकाने लगता है। जनकुक ने कहा क्या हुआ, कौन है?
तियांग ने कहा, जनकुक मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जनकुक जैसे दरवाजा खोलता है, तियांग धकेलते हुए अंदर आ जाते हैं। जनकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग, तुम इस तरह से अंदर क्यों आ रहे हो? तियांग ने कहा, जनकुक मैं अभी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, मुझे फिर से करना है। जनकुक ने कहा, क्या कुछ देर पहले तो तुमने? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, क्या तुम मना करने वाले हो? जनकुक कहता है, तियांग मेरा वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, तो फिर क्या है, तुम भी यही चाहते हो ना? जनकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग उसके साथ फिर से ही पर ही इंटीमेट शुरू हो जाते हैं। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ऑफिस में आ चुके थे, वो कुछ सोच रहा था क्योंकि अब जनकुक की बहुत ही टमी बड़ा होने लग गया है। कुछ महीने बीत जाते हैं, तियांग बहुत ही डिप्रेशन में लग रहे थे। जो तियांग के ऑफिस आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही डिप्रेशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तियांग ने कहा, क्या करो, जनकुक की टमी बहुत ही बड़ा हो चुका है और बेबी भी कुछ महीनों में आने वाला है और मैं उसके साथ वो सब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ अभी, तो मुझे क्या करना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है। जेब ने कहा, मुझे पता है तुम बहुत ही हॉट हो और तुम अपनी हॉटनेस को रोक नहीं पाते हो। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ और ढूंढना होगा। जेब ने कहा, क्या मतलब है, क्या तुम किसी और के साथ? तियांग ने कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो, क्या तुम किसी को ढूंढ सकते हो मेरे लिए? जेब ने कहा, हाँ वो तो है, लेकिन जनकुक को चीट करना क्या तुम्हें सही लगता है? तियांग ने कहा, मैं चीट कहाँ कर रहा हूँ, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है और बेबी दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक किसी और के साथ मैं अपनी इस हॉटनेस को कम करना चाहता हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं किसी भी काम पर ध्यान नहीं लगा पाऊँगा। तुम क्या चाहते हो, क्या मेरी कंपनी डूब जाए? जब ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और वो तुम्हें बहुत ही सेटिस्फाई करेगा तुम्हारे प्लेजर के लिए। तियांग ने कहा, थैंक यू सो मच, जल्दी करना और हाँ उसे कह देना मैं उसको अपने बोर्ड पर लेकर जाने वाला हूँ, पहली बार किसी को लेकर जाऊँगा, जनकुक कभी नहीं लेकर गया। जेब ने कहा, क्या तो फिर सही नहीं होगा? तियांग ने कहा, किसने कहा सही नहीं होगा, वो ही बहुत ही प्राइवेट प्लेस है, वहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा। जेब ने कहा, ठीक है मैं उसको लेकर आ जाऊँगा, तुम भी आ जाना। जैसे जेब ने उस औरत को बोर्ड पर लेकर आए, तियांग भी आ जाता है। तियांग ने उस औरत से कहा, तो तुम हो वो? तो उसने कहा, ठीक है मैं ही हूँ और तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसको राज रखना होगा। तो उस औरत ने कहा, ठीक है मैं सबसे राज रखूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तियांग ने कहा, चलो तो अंदर। जेब से कहता है, तुम जा सकते हो। जेब ने कहा, लेकिन तियांग मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा है। तियांग ने कहा, तुम ही लेकर आए हो, अगर अभी तुमने जनकुक से जाकर कह दिया तो मैं तुम्हारे बारे में कह दूंगा कि तुमने ही मुझे इस औरत से मिलवाया है। जेब ने कहा, सो सॉरी मैं नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन तुम भी मत कहना वरना जनकुक को मुझसे हेट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे हेट करे। तियांग ने कहा, ठीक है जाओ अभी और इसको राजी रखना। उसके बाद से तियांग इस औरत से मिलने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और जनकुक अब बहुत ही वीक पड़ चुका था। जनकुक ने तियांग को बहुत कॉल किया, वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था, वो उसे मिलना चाहता है, लेकिन तियांग वो किसी काम से बाहर आ जाता है और तियांग के साथ वो औरत भी आ जाता है। तियांग ने उस औरत को साथ में ही लेकर आया था क्योंकि तियांग को एक दिन के लिए भी उस औरत से दूर नहीं रहना है क्योंकि उसको प्लेजर की जरूरत है। यहाँ पर जनकुक तियांग को इतना कॉल कर रहे थे, तियांग ने उसकी फ़ोन को देखते हुए भी इग्नोर कर दिया और यहाँ पर जनकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिमिन जनकुक से मिलने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तियांग कहाँ है? जनकुक ने कहा, वो एब्रोड गया है किसी काम से और उसके साथ मुझे बात भी नहीं हो रहा है, क्या तुम जानते हो कि उसके साथ तुम्हारी बात हुआ है क्या? जिमिन ने कहा, नहीं मैं तो तियांग से बात नहीं करता हूँ। जिमिन की बात सुनकर जनकुक ने कहा, क्यों? तो जिमिन ने कहा, क्योंकि तियांग की बिहेवियर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही बदल चुका है, वो बातों को छुपाने लग गया है। जनकुक ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, जनकुक क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो? क्या तियांग ने तुमसे कुछ भी नहीं कहा और क्या तुम तियांग पर नजर नहीं रखते हो? तियांग की बिहेवियर क्या तुम्हें चेंज नहीं लगता है? जनकुक ने कहा, तुम क्या बातें कर रहे हो जिमिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिमिन ने कहा, जनकुक तुम बहुत भोले हो, तियांग अब तुम्हारे चीट कर रहा है, अब मैं तुमसे कहना तो नहीं चाह रहा था लेकिन लगता है तुम्हें कहे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। देखो तियांग अब तुमसे प्यार नहीं करता है। जनकुक ने कहा, जिमिन ऐसा नहीं हो सकता है, तुम तियांग के बारे में उल्टा सीधा बातें मत करो, मुझे तियांग के बारे में कुछ नहीं सुनना है, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जिमिन ने कहा, जनकुक इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था लेकिन अब जब तुमने पूछ लिया तो मुझे कहना पड़ा। देखो मैं और नहीं चाहता हूँ
कि तुम धोखे में रहो, त्याग ने तुम्हें धोखे में रखा है। जंकुक को बहुत ही पेन शुरू हो जाता है। जिमिन ने कहा, जंकुक क्या हुआ? जंकुक अपने पेट पकड़ते हुए रोने लगता है। जिमिन ने कहा, सो सॉरी, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। जंकुक ने कहा, नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है, प्लीज डॉक्टर को कॉल करो या फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। जिन और आर्यन दौड़ कर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है? जिमिन तुमने क्या कहा है? जंकुक ने कहा, मुझे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, लगता है बेबी होने वाला है। जिन जंकुक से कहता है, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, एम्बुलेंस आता ही होगा, मैंने कॉल कर दिया है, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। कैसे भी करके जंकुक को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तियांग को बहुत कॉल किया था। जिमिन, जिन, आर्यन तीनों ने ही तियांग को बहुत कॉल किया। जंकुक ने भी किया था जब वो एम्बुलेंस में थे, लेकिन तियांग ने फोन रिसीव नहीं किया क्योंकि वो कैसे करेगा, वो तो उस औरत के साथ बिजी थे ना। यहाँ पर जिमिन तो बुरी तरह से रो रहा था और युंगी से कहता है, जंकुक को कुछ नहीं होना चाहिए और न ही बच्चे को, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। युंगी ने कहा, क्या हुआ है? जिमिन ने सारी बातें खुलकर कह दिया। युंगी जिमिन पर गुस्सा करने लगा है, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हें पता है कि जंकुक बीमार है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन देखो, अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। जिमिन कहता है, तुम तो क्या, मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम नहीं जानते हो मुझे जंकुक से कितना प्यार है, मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ। युंगी ने कहा, जिमिन आप तो बस प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिमिन ने कहा, काश ऐसा हो सकता, लेकिन तियांग अब पहले जैसा नहीं रहा। युंगी ने कहा, बस चुप करो और दोबारा ऐसी बातें नहीं करोगे। इसके बाद तियांग इतने सारे कॉल देखने के बाद वो घर आ जाता है। घर आने के बाद उसको पता चलता है कि जंकुक को हॉस्पिटल लेकर गया है, जंकुक की तबीयत ठीक नहीं। तियांग ने कहा, क्या उसको क्या हुआ है? सरबिन भी थोड़ा सा गुस्से में कहता है, क्यों आपको नहीं पता है क्या कि जंकुक बच्चे को जन्म देने वाला है, उसकी डिलीवरी होने वाला है, फिर क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, क्या तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो मेड ने कहा, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं अभी आपको माफ नहीं करने वाला हूँ, आप पहले जैसे नहीं रहे। मेड की मुझसे ऐसी बातें सुनकर तियांग को और भी गुस्सा आ गया। टाइम को स्किप करते आफ्टर वन वीक, जंकुक बेड पर लेटा हुआ है, वो रो रहा था। तियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुमने मेरे लिए अपनी बच्ची को खो दिया। जंकुक ने कहा, तियांग अब बस करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना और ना ही तुम्हारी किसी भी बात पर मुझे कोई इंटरेस्ट है, तुम जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज मुझे माफ कर दो। जंकुक ने कहा, नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। तियांग जंकुक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते रहते हैं, लेकिन जंकुक ने कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया है मुझसे गलती हो गया। जंकुक ने कहा, और तुम इस बार में क्या कहोगे जो तुम किसी और के साथ कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं कभी जान नहीं पाऊंगा? जिमिन अगर मुझसे नहीं भी कहता ना, फिर भी मुझे पता चल ही गया था कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम किसी और के पास जाते हो। तियांग जंकुक से कहता है, लेकिन तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता चला? जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करते ना, तुम मेरे पास आते, लेकिन तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे कि मैं इस दुनिया में हो ही नहीं। इतना सारा कॉल करने के बाद भी एक बार भी तुम्हें मेरा कॉल रिसीव करने का मन नहीं हुआ। तियांग, आखिर तुम इतना हार्टलेस क्यों हो? तुम माफिया बॉस जरूर हो, लेकिन एक माफिया के अंदर थोड़ा सा भी दिल नहीं हो सकता है क्या? इतना हार्टलेस, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा एक माफिया हो लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, ये सब कुछ कभी नहीं करते, चाहे तुम्हें कितना ही प्रॉब्लम क्यों ना हो रहा होता, तुम कितने तकलीफ में ही क्यों ना होते, तुम मेरा इंतजार करते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी खुशी की परी थे। तियांग ने कहा, मुझसे गलती हो गया जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जंकुक ने कहा, प्लीज़ मेरे सामने से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है, क्योंकि मैं अगर तुम्हें देखूंगा ना, मैं अपने बच्चे को बहुत मिस करूंगा, मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। तियांग, तुमने क्या किया है? मैं उसके लिए जीना चाहता था, लेकिन अब वो ही नहीं रहा, तो मुझे जीकर क्या होगा? जंकुक अपने आप को हार्ट करने लगता है। तियांग उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने से चला जाता हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने जो कुछ भी किया है बुरा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम हो गया, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये कहते तियांग यहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। तियांग अप्रैल में रहकर काम कर रहे थे, वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन तियांग हर रोज जंकुक को सॉरी की मैसेज भेजता है।
कॉल भी करता है, ईमेल भी भेजते हैं, लेकिन जनकुक तियांग की किसी भी मैसेज या फिर फोन का आंसर नहीं करता है और ना ही उससे मिलना चाहता है। तियांग से डायरेक्टली कह दिया था कि कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन तियांग तो जनकुक को देखे बिना नहीं रह सकता है। हाँ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गया है, उसने चीट किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। किसी भी इंसान को एक चीटर को माफ नहीं करना चाहिए, जनकुक को भी नहीं। लेकिन जनकुक तियांग से प्यार करता है। प्यार हमेशा इंसान को कमजोर बना देता है, जैसे कि जनकुक को भी कमजोर बना दिया, और वो तियांग को माफ करने के लिए अपना मन बना लेता है। वो तियांग को कॉल करने ही वाला था, जिमिन ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा। किसको कॉल करने वाले थे? जनकुक ने कहा, जिमिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि तुम कॉल करने वाले हो तो मुझे लगा कि हाँ, अभी मुझे तुम्हें रोकना चाहिए। इतनी दिनों से तुम जो कर रहे थे सही कर रहे थे, लेकिन अब जो तुम करने वाले थे वो बहुत ही गलत होने वाला था। तियांग को तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए, युंगी ने जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम उसको रोको मत, उसको जो करना है करने दो। देखो, अगर वो तियांग से माफ करना चाहता है तो माफ करने दो, क्योंकि माफ करने वाला इंसान बड़ा होता है, और प्यार हमेशा कमजोर नहीं बनाता है, स्ट्रांग भी बनाता है। तियांग को अपनी गलती की पछतावा है, जिहोप ने कहा। तियांग अब पहले जैसा नहीं रहा। जिमिन ने कहा, क्या तुम जिहोप की बात कर रहे हो? मैं जिहोप के नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ, उसने ही तियांग को उस औरत से मिलवाया था, युंगी ने कहा। मुझे पता है, लेकिन उसको भी अपनी गलती की पछतावा है, वो भी अपने आप को बहुत ही दोषी मानता है। जंगू ने कहा, सबकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। अगर मैं पहले से बीमार नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होते। जिमिन ने कहा, जंगू अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, तुम बीमार होने के बाद भी तियांग की हर जरूरत को पूरा किया है, उसने जो भी कहा वही किया है, तो फिर खुद को दोष देना बंद करो। जंगू ने कहा, जिमिन लेकिन मुझे तियांग की जरूरत है, मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, और तियांग अपनी गलती के लिए पछता रहा है, मुझे उसको माफ करना होगा। युंगी जनकुक से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम तियांग को माफ करना चाहते हो तो ठीक है, उसको कॉल करो। जनकुक तियांग को कॉल करके वापस बुला लेता है, तो फिर तियांग वापस आ जाता है और फिर से जनकुक से माफी मांगता है और कहता है, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मौका दिया, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। जनकुक ने कहा, आई होप तुम अब पहले जैसे तियांग बन जाओगे और मुझसे उतना ही प्यार करोगे जितना पहले किया करते थे, और वो सब कुछ नहीं दोहराओगे। तियांग ने कहा, आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। जिमिन ने कहा, मुझे उससे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन करा कि मैं उसको जान से मार डालूं। युंगी उसको यहाँ से खींच कर लेकर जाते हैं। तियांग अब जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तो अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, कैन आई किस यू? तो फिर जंगकुक ने भी हाँ कर दिया। तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा, लेकिन आप जनकुक के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो फिर इसी के साथ ही दियन कहता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।